तो दो चार मुसलमान है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन दो चार हिंदू भी तो है जो वैसे आतंकवादी होते हैं। देश के जनता को कुचलते रहेंगे और शुरू से कुचलते आ रहे हैं। देश में चुनाव होगी नहीं, यानी जिंदगी भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और जो मर्जी रहेगा वो करते रहेंगे। जो है वो गैस सिलेंडर के नाम पे, तो कभी GST के नाम पे, पहले GST पे कफन पे GST नहीं थी, दूध दही पे नहीं थी, कटर पेंसिल पे नहीं थी, रबर पे नहीं थी। अब बताओ लोगों को जन्म लेने से लेकर मरने तक का, और लोग जब मर जाते हैं तो उनके कफन पे भी GST दो। हमें गुलामी की याद दिलाती है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया आपने भी तो दिया है, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, ये किसका दिया हुआ है? 24 का इलेक्शन हो जाएगा और जब BJP की सरकार फिर से आ जाएगी भारत में, तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, फिर राजपूत यादव, ब्राह्मण लाला, भूमिहार कुर्मी, ये सब में दंगे करवाएंगे ये लोग। आज ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है, सब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अरे इस देश में APJ अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने देश के लिए कितनी मिसाइलें दी, कितने उपग्रह छोड़े, तो वो भी तो एक मुसलमान थे। जो जितना ये देश हिंदुओं का है ना, उतना ये देश मुसलमानों का भी है। देश के बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं, जितने हिंदू उतने मुसलमान भी शहीद होते हैं। मैं तो सबको बोलूंगा सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी हिंदू खतरे में है, अभी BJP से हिंदू खतरे में है, ना कि मुस्लिम खतरे में है। 24 में कौन जीत रहा है, 24 में क्या लगता है आपको? देखिए अगर EVM से चुनाव होगा तो BJP। क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर इस बार जो है चुनाव होंगे? क्या एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है? 24 के चुनाव के पहले पहले लगातार ये चर्चा हो रही है कि इंडिया एयरलाइंस को चुनौती देने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा सामने लाया गया है। वहीं दर्शकों आपसे बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि चुनाव के पहले अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाता है तो विपक्ष का यही कहना है कि इससे भाजपा पार्टी को जो है फायदा होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ मौजूद है विश्वजीत जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वह इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या देश के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। थैंक यू सर, कैसे हैं? मैं आप, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगी तो देश में तो फिर चुनाव ही नहीं होगी, और जब चुनाव नहीं होगी तो क्या एक ही आदमी जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेगा? एक ही आदमी जिंदगी भर राजा बन के रहेगा? तब तो देश में अराजकता फैल जाएगा। फिर सर चुनाव तो होगा ना, चुनाव तो होगा लेकिन एक बार में ही चुनाव होगा? एक ही बार तो ये लास्ट चुनाव है ना, उसके बाद तो फिर देश में चुनाव होगी नहीं, यानी जिंदगी भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और जो मर्जी रहेगा वो करते रहेंगे। देश के जनता को कुचलते रहेंगे और शुरू से कुचलते आ रहे हैं। कभी जो है वो गैस सिलेंडर के नाम पे, तो कभी GST के नाम पे, पहले GST पे कफन पे GST नहीं थी, दूध दही पे नहीं थी, कटर पेंसिल पे नहीं थी, रबर पे नहीं थी। अब बताओ लोगों को जन्म लेने से लेकर मरने तक का, और लोग जब मर जाते हैं तो उनके कफन पे भी GST दो, तो ये GST कहाँ से रहेगा? कहाँ से लोग लाएंगे? मरने के बाद कौन देगा GST कफन पे? ये लोग किसी तरह से पैसे खींच रहे हैं, किसी तरह से खींचे जा रहे हैं और उसी पैसे से जो है सरकार गिराते हैं। यानी कि महंगाई देश में है, इस मुद्दे को आप मान रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, लोग अब मरने के कगार पे आ गए हैं, तनख्वाह नहीं है, महंगाई इतनी है कि लोग अगर 10,000 कमाते हैं तो पहले सिलेंडर खरीदते हैं, उसके बाद फिर किराया भरते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते हैं उनके पास। इंडिया एयरलाइंस हो गया है, क्या जीतेगा? क्योंकि इंडिया एयरलाइंस में इतनी मजबूती नजर नहीं आ रही जितना लोग सोच रहे हैं। ये BJP का प्रोपगेंडा है कि इंडिया अलायंस मजबूत नहीं है, वो इंडिया को कमजोर दिखा रहे हैं। अभी उन्होंने इंडिया जब अलायंस हुआ तो उन्होंने कहा कि इंडिया हमें गुलामी की याद दिलाती है। क्यों भाई गुलामी की याद दिलाती है? हर जगह भारत होना, ठीक है भारत होना चाहिए, लेकिन इंडिया को क्यों हटा रहे हो? फिर आप मोदी जी जो ये कहते हो कि इंडिया हमें गुलामी की याद दिलाती है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया आपने भी तो दिया है, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, ये किसका दिया हुआ है? फिर इसको भी चेंज करो, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एम्स, ये सब भी तो इंडिया के नाम से है। ऑल इंडिया एम्स आपने नहीं दिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया तो आप ही का दिया हुआ है। अगर गठबंधन नहीं होता तो क्या इंडिया का नाम पर राजनीति नहीं होती? ये भी सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब गठबंधन हुआ तभी इन्होंने इंडिया का नाम भारत कर रहा है। जैसे पहले होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब होता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अगर इंडिया का अलायंस नहीं होता तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इंडिया का जो है अलायंस होने के बाद ही उसके पहले भाजपा सरकार अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, चाणक्य नीति के लिए जानी जाती है। भाजपा सरकार ये कह रही है कि कब तक हम तीन तीन चार चार नाम लेते रहेंगे, एक नाम काफी, तो एक नाम रख देते हैं भारत, क्या दिक्कत है?
भारत तो पहले से ही है, वो क्या रखेंगे? कल के डेट में आप तिरंगे के नाम बदल दोगे, कहो कि नहीं देश का तिरंगा नहीं होना चाहिए, ये भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। पहली बार जब 1907 में तिरंगा फहराया गया था लंदन के बर्लिन शहर में मैडम भिखाजी कामत के द्वारा, तो आप कहोगे कि तिरंगा भी नहीं होना चाहिए? तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? और जो सारे जहाँ से अच्छा, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, वो भी मुसलमान है, ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को दिया हुआ जो है नाम भी इस्तेमाल करते हैं, और अब धीरे धीरे मुसलमानों को आप देश से हटाना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है, क्योंकि हिंदू कैसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उसका। आज वो 2024 तक हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, जब 2024 का इलेक्शन हो जाएगा और जब बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी भारत में, तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, फिर राजपूत यादव ब्राह्मण लाला भूमिहार कुर्मी ये सब में दंगे करवाएंगे ये लोग। आज ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है, सर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। अरे इस देश में APJ अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, उन्होंने देश के लिए कितनी मिसाइलें दी, कितने उपग्रह छोड़े, तो वो भी तो एक मुसलमान थे। जो जितना ये देश हिंदुओं का है ना, उतना ये देश मुसलमानों का भी है। देश के बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं, जितने हिंदू उतने मुसलमान भी शहीद होते हैं। तो दो चार मुसलमान हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन दो चार हिंदू भी तो हैं जो वैसे आतंकवादी होते हैं। मैं तो सबको बोलूंगा सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी हिंदू खतरे में है, और अभी बीजेपी से हिंदू खतरे में है, ना कि मुस्लिम खतरे में है। 24 में कौन जीत रहा है, 24 में क्या लगता है आपको? देखिए अगर EVM से चुनाव होगा तो बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, और अगर EVM से चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों आप EVM पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? अभी वो तो EVM चोर है बीजेपी वाले। अच्छा। स्टार्टिंग से ही चोर है। अभी आप कर्नाटका का देख लो, उन्होंने जानबूझ के हारा है ताकि लोगों को शक ना हो कि EVM में चोरी होती है, EVM में सेटिंग होती है, और ये EVM में सेटिंग ना हो और ये पब्लिक को पता चल जाए कि EVM सुरक्षित है, तो लोग जो है विश्वास करेंगे। जानबूझ के कैसे हारा है, ये आप कैसे पता चला आपको जानबूझ के हारा है कर्नाटक? इसलिए कि चुनाव के ठीक पहले का इलेक्शन है ना, और अगर 2024 में जीत जाती है बीजेपी तो कर्नाटक भी छीन लेगी बाद में। अच्छा। इनका तो काम ही है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? उद्धव ठाकरे की। उनके सारे विधायक को, मंत्री को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए देकर खरीद के एकनाथ शिंदे को बना दिया वहां का CM। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार थी, उनका भी विधायक मंत्री को खरीद कर शिवराज सिंह चौहान को बना दिया वहां का मुख्यमंत्री। तो सरकार तो गिराते हैं, ये हार जाते हैं फिर भी सरकार गिराते हैं। बीजेपी तो जीती नहीं थी महाराष्ट्र में, बीजेपी तो जीती नहीं थी मध्य प्रदेश में, ये तो हार के आए थे वहां से, काला मुंह लेकर आए थे। EVM में घपला है, बिल्कुल घपला है, और ये जीत जाएंगे तो कर्नाटक भी छीनेंगे, हिमाचल प्रदेश फिर छीन लेंगे वापस। देखिए आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर विश्वजीत को उन्होंने साफ तौर पर EVM पर बात की, इलेक्शन पर बात की, और तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर चर्चा की, आखिर जमीनी स्तर के मुद्दों पर भाजपा सरकार क्यों बोलती हुई नजर नहीं आती है। अगर भाजपा सरकार इन मुद्दों पर नहीं बोलेगी तो पक्का 2024 में जो है भाजपा सरकार को विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, अलायंस का सामना करना पड़ेगा, और हो सकेगा कि हार का भी सामना करना पड़ेगा। आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।